ओके, अब हम सब यहाँ पर हैं तो मैं एक बात करना चाहता हूँ खुल के। बेटा आप तो कोई बात छुपा के तो दिखा। मेरी किरण के डैड से बात हुई है। हाँ पता है, आगे बोल। अभी वो 51% का कह रहे हैं, बट मैं उन्हें चॉइस नहीं दूंगा। देखो अगर वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो वो ये खुद भी नहीं कर सकते। ये मैंने ही उन्हें आइडिया दिया था, वो तो अपना कोई सिनेमा का प्रोजेक्ट कर रहे थे। वाह वाह, हमारे आइडियाज पता नहीं किस किस को पिच करता फिर रहा है हमारी पीठ पीछे। उसको बोलने दे यार। गाइस आई बी ऑनेस्ट, आई आल्सो ट्राइड लॉन्चिंग ट्यूबलाइट विद हामिद। सही है भाई, ठीक है। अब तुम दोनों रह गए, तुम दोनों ने भी किसी को आइडिया पिच किया होगा। एक मैं ही हूँ बेवकूफ जो अपने अब्बे की दुकान पे बैठ गया हूँ चुप करके। बकार, उसको बात तो करने दो। बोलो तुम। तो मैं यही कह रहा था कि मैं उन्हें चॉइस नहीं दूंगा। देखो उनके लिए भी बेहतर है कि वो हमारी टर्म्स में हमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि इफ दे डोंट देन वी आर कंपटीशन। वाइट इन्वेस्टमेंट है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, और इस दफा हमको एक तगड़ा लॉयर इन्वॉल्व करके इसको सही से कर लेंगे। एक मिनट, हमारी तरफ से सारी इन्वेस्टमेंट आयशा की है तो उसके शेयर ज्यादा होने चाहिए। नो नो नो, शेयर्स बराबर के ही होंगे। यार हमारा कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही है। लेकिन तुम वो पैसे बैंक में रखो, अपनी जिंदगी आराम से एंजॉय भी तो कर सकती हो तुम। लेकिन अगर तुम ट्यूबलाइट में इन्वेस्ट कर रही हो तो फिर तुम्हारे शेयर ज्यादा होने चाहिए। अरे पैसे कौन से मैंने कमाए, ये तो समझो बस अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा था, और शायद इसलिए कि हम ट्यूबलाइट को दोबारा जिंदा कर सके। देखो मरियम सही कह रही है, तुम्हें ज्यादा शेयर्स लेने पड़ेंगे। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? वाह भाई सही है, ज्यादा हो रहे हैं शेयर तो मुझे दे दो। हमजा तुम ही कहते हो ना कि ट्यूबलाइट हम पांचों का, और हम पांचों का ही रहेगा बराबर का। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर ना कहना कि हमने तुम्हें ऑफर नहीं की थी। नहीं कहूंगी। यार वो तुम लोगों ने चेक किया कि बिटकॉइन कैसे कैश होंगे? हम इथेरियम कैश करा लेते हैं, या फिर शायद वो भी जरूरत ना पड़े क्योंकि आजकल लोग क्रिप्टो एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ पेमेंट। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। किरण के डैड ने और क्या मांगा है? देखो 49% पे तो मैं उन्हें मना लूंगा फॉर श्योर, लेकिन उन्होंने बोर्ड पे दो सीट्स मांगी है, एक उनकी और दूसरी किरण की। वो मैं ही कह रहा था, तो उसका अंदर क्या हो? क्या बात है सर, आज आप बड़ा खुश नजर आ रहे। क्या ये चाबी? अबे चाबी तो है, क्या लिखा उस पे? लिखा तो कुछ नहीं है, था कुछ बना हुआ है। अबे बड़ी गाड़ी का लोगो बना हुआ है, इतना नहीं पता तुझे? आपने बड़ी गाड़ी ले ली सर? और क्या, रेंट पे थोड़ी लिए। वाह क्या बात है सर, मुबारक हो। कब ली आपने? बस जैसे ही अमीर हुए ले ली। अच्छा तो इस ऑफिस में सब अमीर हो गए? हाँ ना, तो पता है क्या, इनको ना लाइफ एंजॉय करना नहीं आता, फीके हैं सारे। तो फिर कब दे रहे छुट्टा? छुट्टा वो क्या कहते हैं, राइड राइड राइड। हाँ तो सही है, आजा चल अभी घुमाता हूँ। सर वो मेरा ख्याल है कि छुट्टी के बाद चल लेते, आपका ना सब अंदर इंतजार कर रहे हैं। अबे करने दे वेट, हम किसी के मुलाजिम थोड़ी हैं। आया आया, ओए कॉफी बना दे मेरी। ओके गाइस, तो प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया। अब क्योंकि इब्राहिम इंडस्ट्रीज भी ऑन बोर्ड है तो डिजिटल के साथ साथ हम थिएट्रिकल रिलीज भी करेंगे। जरूरी है, आई मीन डजंट दैट डिफीट द होल पर्पस ऑफ डिजिटल? नॉट रियली, इंडिया में इवन हॉलीवुड में अब साइमल्टेनियसली रिलीज हो रहा है कंटेंट। बट डोंट वरी, शुरू में ऐसा नहीं करना होगा क्योंकि मल्टीप्लेक्स दिसंबर में रेडी होगा, सो वी स्टिल हैव 8 मंथ्स। 6